हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेन। प्लेन जो है वो 3D का टॉपिक है। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिला करेगी वो एक्स वाई जेड तीनों में ही मिला करेगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्लेन की जनरल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसकी और भी फॉर्म होती है इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जितनी भी इक्वेशन सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मुले जो हम आपको बताएंगे, एंड फॉर्मुले से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद एमसीक्यू उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप टॉपिक का डालिएगा प्लेन, उसके बाद देखिए फर्स्ट हेडिंग डालिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि इक्वेशन प्लेन जो है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमने आपको कोनिक की भी जनरल इक्वेशन बताई थी, तो ये इक्वेशन होती काफी इंपॉर्टेंट, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग में क्या आएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्या होती है जनरल इक्वेशन, तो ये देखिए ax प्लस का by प्लस का cd, एंड प्लस में लिखा हुआ है d, इक्वल में लिखा हुआ है 0। ये जो है प्लेन की जनरल इक्वेशन है, एंड ये इक्वेशन बार बार एग्जाम में आई होगी। आप बताइए कि प्लेन की जनरल इक्वेशन आपको ऑप्शन दे रखे होंगे क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी ये क्या है, सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, जेड, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है प्लेन। प्लेन हमने आपको बताया 3D का टॉपिक है, तो भाई एक्स वाई जेड आए, यानी कि इसे मान ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, एंड ये लिखा हुआ है जेड। तो यहाँ पे ये जो प्लेन है वो 3D का टॉपिक, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही फंक्शन आपको मिलेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड, एंड प्लस में आएगा डी, इक्वल में आएगी वैल्यू 0। उसके बाद ये जो है प्लेन की क्या है, जनरल इक्वेशन है। फिर प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी प्लस में जेड अपॉन सी इक्वल में 0। ये होती है प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड नंबर पे लिखा है नॉर्मल फॉर्म, यानी कि प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस का एन जेड इक्वल में लिखा हुआ है पी। ये जो है प्लेन की क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, यानी कि अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी हो जो प्लेन की इक्वेशन होगी, एंड उसे अगर हमें कोई एक वन पॉइंट, यानी कि कोई भी एक पॉइंट दे रखा उससे पास करना हो, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी। तो अगर आपको एक पॉइंट दे रखा और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एक्स माइनस का एक्स वन प्लस में बी वाई माइनस का वाई वन प्लस में सी जेड माइनस का जेड वन इक्वल में आएगा 0। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन कब, जब आपको एक पॉइंट दे रखा होगा एक प्लेन, यानी कि एक प्लेन दे रखा उसी से हमें एक पॉइंट पास कराना है, तब इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें हम लोग क्या, जो आपको पॉइंट दे रखा होगा एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, वैल्यू लिखी होंगी इसमें पुट करिएगा। ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट है। ये जो प्लेन आपको इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से आप ए बी सी कंपेयर करें, एंड जैसे ही आप इसमें ए बी सी और एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू रखेंगे, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। कौन सी इक्वेशन, जो एक प्लेन से पॉइंट को पास कराएगी। तो ये हो जाएगा वन पॉइंट पासिंग थ्रू द प्लेन, यानी कि अगर आपको कोई भी एक प्लेन दे रखा है एंड पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, उसे अगर वन पॉइंट से पास कराएंगे, तो ये रही आपकी इक्वेशन, यहाँ से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट, एंड अगर अब आपको कोई एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है जो तीन पॉइंट से पास हो रही है, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें। क्या लिखा है, एक्स वाई जेड इक्वल एक्स वाई जेड लिखा है, वन लिखा है, ये डिटरमाइंड मैट्रिक्स की फॉर्म में, एंड मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ रखा कि हम लोग कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर तीन पॉइंट दे रखें तो आ गया एक्स वाई जेड वन, एट इज लिखा है एक्स वन वाई वन जेड वन वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एंड ये लिखा हुआ है वन। फिर क्या आएगा, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री एंड वन, एंड अगर यहाँ पे तीन पॉइंट की जगह फोर पॉइंट होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स फोर वाई फोर एंड जेड फोर एंड वन आ जाएगा, एंड इक्वल में क्या लेके चलेंगे 0। डिटरमाइन के मेथड से सॉल्व करेंगे और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन क्यों मिलेगी, क्योंकि डिटरमाइन के मेथड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ये देखिए एक्स वाई जेड चल रहा है, इनकी तो कोई भी वैल्यू नहीं, जो आपको तीन पॉइंट दे रखे होंगे या चार पॉइंट दे रखे होंगे, एक्स वन वाई वन यहाँ पे वैल्यू पड़ जाएंगी, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जो तीन पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखा, एंगल बिटवीन टू प्लेन, अगर आपको कोई भी दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो तो आप उसके एंगल कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा इक्वल टू आएगा ए वन ए टू प्लस में आएगा बी वन बी टू प्लस में आएगा सी वन सी टू अपॉन में आएगा अंडर रूट में ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर प्लस में ए थ्री का स्क्वायर एंड अंडर रूट में मल्टीप्लाई में आएगा बी वन का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी थ्री का स्क्वायर। अब देखिए एक इक्वेशन मान लीजिए, यहाँ पे दो इक्वेशन प्लेन की कैसे दे रखी हो, मान लीजिए लिखा एक्स वन सॉरी ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में लिखा है सी वन जेड प्लस में लिखा हुआ है डी वन इक्वल में लिखा हुआ है जीरो। ऐसे लिखा हुआ ए टू एक्स प्लस में लिखा हुआ है बी टू वाई प्लस में लिखा है सी टू जेड प्लस में लिखा हुआ है डी टू इक्वल में जीरो। ये हो गई दो प्लेन की इक्वेशन, यहाँ से आप ए वन बी वन सी वन सी टू सभी वैल्यू कंपेयर करें, एंड जैसे ही आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करें आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, एंड वही हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन द प्लेन, यानी कि प्लेन के बीच अगर आपको एंगल फाइंड करना तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, नोट में कुछ दो पॉइंट लिखे, क्या पॉइंट लिखे,
टू प्लेन आर परपेंडिकुलर। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो भाई आपको पता है अगर कोई भी दो प्लेन दे रखे वो परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंड टू प्लेन आर पैरेलल, अगर पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखिए इसी में अगर इसी में हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे। जैसे ही आप 90 रखेंगे तो कॉस 90 वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड अपॉन में जो वैल्यू लिखी है इसे मल्टीप्लाई, तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, A1A2 प्लस में B1B2 प्लस में C1C2 इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो क्या आएगा फाइनल आंसर आपका निकल गया है A1A2 प्लस में B1B2 प्लस का C1C2 इक्वल में आ जाएगा जीरो। ठीक है, ये सभी अभी फॉर्मूले में आपको बताया, इनसे सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे पैरेलल के लिए आ जाएगा तो थीटा जीरो रखेंगे, एंड जैसे ही आप थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देन यानी कि फाइनल आंसर मिलेगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये मिल जाएगा आपको फाइनल आंसर। तो ये हो गए भाई किसके बीच का एंगल, अगर आपको दो प्लेन दे रखे तो उसके बीच आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, यानी कि अगर आपको कभी भी दो प्लेन दे रखे तो उनके बीच की हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिया, तो फाइनल आंसर आपको दो प्लेन दे रखे तो D2 - D1 अपॉन में आएगा अंडर रूट में A² + B² + C². ये देखिए मान लीजिए आपको इसके अकॉर्डिंग दो प्लेन दे रखे हैं, यहाँ पे D2 - D1 उसके बाद A² + B² + C². अब देखिए यहाँ पे दो प्लेन दे रखे बट A² - B² - C² क्यों लिखा, क्योंकि प्लेन कैसे दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं। पैरेलल का मतलब क्या, मान लीजिए कोई भी दो प्लेन पैरेलल है तो देखिए पैरेलल की प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, 2x आएगा प्लस में लिख लीजिए 4y प्लस में आ जाएगा मान लीजिए 3z एंड प्लस का लिख लीजिए 5 = 0। अब इसी के पैरेलल में एक और इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैरेलल होगी वो इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए आप लिख लेंगे 4x प्लस में लिख लीजिए यहाँ पे 8y एंड प्लस में लिख लीजिए यहाँ पे 6z एंड प्लस का आ जाएगा 8 इक्वल में आ जाएगा 0। ये दो इक्वेशन जो दे रखी है प्लेन की ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब कैसे पता करें कि ये इक्वेशन जो है वो पैरेलल, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 2 से क्या हो जाएगा 4, ये देखिए क्या लिखा हुआ है 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8, ये देखिए लिखा हुआ है 3 3 2 से क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होंगे हमेशा, ठीक है कांस्टेंट डिफरेंट होंगे। एंड यहाँ पे देखिए जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, चलिए 2 कॉमन लेते तो यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगा 2x प्लस में आ जाएगा 4y प्लस में आ जाएगा 3z एंड प्लस में आ जाएगा 4 इक्वल में वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी कि देखिए पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगा अगर आप इसमें से सेकंड वाले इक्वेशन में जो वैल्यू कॉमन लेंगे तो सेम इसी इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर देगा, तब जो इक्वेशन होगी ये पैरेलल। यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए एंड यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करें और कांस्टेंट जो होंगी वो हमेशा डिफरेंट होंगे तब जो इक्वेशन होगी वो पैरेलल होगी। तो इस कंडीशन में जब आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे भी 2 मिलेगी, यहाँ पे भी ए की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे भी 4 चलेगी, यहाँ पे भी 4 चलेगी, सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे भी जेड चलेगी, सॉरी यहाँ पे भी 3 चलेगी, यहाँ पे भी 3 चलेगी। तो इसीलिए जब कभी भी इक्वेशन पैरेलल होगी तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन के बीच क्या आएगा, D = D2 - D1 अंडर रूट में आएगा A² + B² + C². तो अगर कोई भी आपको दो प्लेन दे रखे हैं उनकी डिस्टेंस पूछी जाए, प्लेन जो है वो पैरेलल होने चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड वन प्लेन। एंड कभी भी अगर आपको एक प्लेन दे रखा हो एंड एक पॉइंट दे रखा हो तब आप डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है, D = आएगा AP प्लस में आएगा BQ प्लस में आएगा CR प्लस में आएगा D अपॉन में लिखा हुआ A² + B² + C। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपको पॉइंट दे रखे हैं, क्या पॉइंट हो सकते हैं भाई, यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखे हैं A, पॉइंट दे रखे पी क्यू एंड आर, ये हो गए आपके पॉइंट। एंड आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी प्लेन की AX प्लस में BY प्लस में CZ एंड प्लस में क्या आएगा D = 0। तो ये आपको एक मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है प्लेन की एंड पॉइंट दे रखे, तो आप जब आप इनके बीच की डिस्टेंस पूछे तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एंड आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इन सभी फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही पूछा गया है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, उन्होंने कहा है प्लेन की जो है वो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया क्या हो जाएगी, LX प्लस में MY प्लस का NZ इक्वल में क्या आ जाएगा P। ये क्या होती है प्लेन की नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन।
सेकेंड नंबर पे लिखा गया द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इन्होंने एक प्लेन की इक्वेशन पूछ रही है जिसमें एक्स जो है वो जीरो है। तो भाई एक्स जीरो है तो यहाँ पे देखिए कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लीजिए ये रही आपकी प्लेन की इक्वेशन, यहाँ पे रख दीजिए एक्स जीरो, तो यहाँ पे बी वन बी टू दो इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी एंड ये हो जाएगा डी। तो ये हुई आपकी एक प्लेन की इक्वेशन, एक्स की वैल्यू जीरो। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी बी वाई प्लस में सी डेल प्लस में डी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, यही आपकी हो जाएगी फाइनल। अगर एक्स जीरो है तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं होगा एंड अगर वाई जीरो है तो वाई वाला टर्म नहीं होगा, जेड एक्स की अगर हम पूछे तो यहाँ पे जेड वाला टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स जीरो है तो क्या आ जाएगा बी वाई प्लस में सी डेल प्लस में डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो हमने ए बी सी है वो स्मॉल ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट ही है, एंड यहाँ पे इन्होंने जो ए बी सी लिखा वो कैपिटल है, लेकिन ये भी क्या है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको समझ में आ गया हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 2, 3, -4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखे किसके, इंटरसेप्ट के। अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखे, इन्होंने इसका फाइनल आंसर पूछा, यानी कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ए बी सी वैल्यू दे रखी है, अब आपको क्या करना है ए बी सी को इसी इक्वेशन में पुट करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इंटरसेप्ट की सबसे पहले इसके लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी प्लस में आ जाएगा जेड अपॉन सी इक्वल में होता है 1। ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है, सी की वैल्यू -4 दे रखी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स अपॉन 2 आएगा प्लस में वाई अपॉन 3 आएगा माइनस का जेड अपॉन 4 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 4 आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल में वैल्यू आएगी 0 एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए यही आपका आंसर आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है एक प्लेन दे रखा है, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड यानी सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना। तो हमने आपको बताया अगर आपको एक पॉइंट दे रखा हो और एक प्लेन का इक्वेशन दे रखी तो आप डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में पॉइंट क्या दे रखे हैं 1, 2 एंड 0, प्लेन की इक्वेशन ये लिखी। सबसे पहले कंपेयर करके पॉइंट यानी कि पी की वैल्यू यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू आपको मिलेगी 1, क्यू की वैल्यू मिलेगी 2 एंड आर की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको 0। ठीक है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, बी की वैल्यू मिल जाएगी 3, सी की वैल्यू मिल जाएगी 12 एंड यहाँ पे डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16। ठीक है, आप कंपेयर कर चुके तो फार्मूला अप्लाई करें, तो फार्मूला लिखिए डिस्टेंस बिटवीन 1 पॉइंट एंड प्लेन। तो 1 पॉइंट और प्लेन के बीच की हम लोग क्या करें डिस्टेंस फाइंड करें, डी इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए पी आएगा प्लस में आ जाएगा बी क्यू प्लस का आ जाएगा सी आर एंड प्लस में आ जाएगा डी अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एंड यही देखिए फॉर्मूला अप्लाई हुई। तो यहाँ पे वैल्यू जब मिलेगी तो इसमें सब में क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डी इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू क्या चल रही है 4, पी की वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस का साइन आ जाएंगे बी की वैल्यू क्या चल रही है 3 इंटू में क्यू की वैल्यू चल रही है 2 प्लस का साइन आएंगे सी की वैल्यू क्या चल रही है 12 इंटू में आर की वैल्यू चल रही है 0 प्लस का साइन आएंगे डी की वैल्यू क्या चल रही है 16 अपॉन में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे 16, बी का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 एंड यहाँ पे 12 का स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा 144 यानी कि 144। तो ये बन जाएगी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एंड वो यानी कि 144 आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करिए तो डी इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी 4 प्लस का आ जाएगा 6 एंड प्लस में आ जाएगा 16, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट में 169। ठीक है, अब इक्वल का साइन लगाइए, अब देखिए जब इसे ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 26 अपॉन में देखिए अंडर रूट में लिखा हुआ 169, तो 169 जब अंडर रूट से बांधेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 13 और 13 टूजा होता है 26, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए यही आ रहा है आपका आंसर, क्या आंसर आ रहा है 2, यानी कि प्लेन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2 होगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर एक पॉइंट दे रखा हो एक प्लेन दे रखा हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन। अब यहाँ पे देखिए दो प्लेन दे रखे वो भी पैरेलल दे रखे, तो इनके बीच की हमें क्या करनी है डिस्टेंस फाइंड करनी। तो ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक कर लें कि यह प्लेन पैरेलल, देखिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा
लिखा है, वन लिखा है, थ्री। जैसे ही आप यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टू, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा टू, यहाँ पे आपको मिलेगा वन। ये देखिए टू टू वन, एंड यहाँ पे जब आप टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टू कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्री, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट। यानी कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू होगी डिफरेंट, बाकी जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी सेम। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, पैरेलल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं सॉल्व, यानी कि सोल्यूशन नंबर फाइव। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डी टू माइनस का डी वन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 16। ये टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 8। तो 8 माइनस का 3, एंड अपॉन में वैल्यू क्या आएगी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट में ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 माइनस का यानी कि 5, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 9 अंडर रूट में। तो 9 को जब अंडर रूट से बाहरेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 अपॉन 3, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए यही आ रहा है आपका आंसर, 5 अपॉन 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको पॉइंट दे रखा हो, प्लेन दे रखा हो, तब भी आप उसकी डिस्टेंस फाइंड कर रखें, एंड अगर आपको दो पैरेलल प्लेन दे रखे हो तब भी आप उसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि यहाँ पे अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। एक पॉइंट दे रखा है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो वन पॉइंट और वन प्लेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट। तो जब भी कोई भी प्लेन की इक्वेशन आप वन पॉइंट से पास करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक पॉइंट दे रखा था गिवन में, तो लिख लिया, और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी, और हमें क्या करना है, इक्वेशन बतानी प्लेन की जो वन पॉइंट से पास हो रही। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे अब एक्स वन और वाई वन और जेड वन की वैल्यू हमें दे रखी है। एंड जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए बी सी और एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे आप इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखी हुई 3, तो आ जाएगा 3। एक्स एट से लिखा रहेगा, एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये लिखा हुआ है 1। प्लस का साइन लगाएंगे, बी की वैल्यू दे रखी है 4। वाई माइनस का वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2। प्लस का साइन हो जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस का 5, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 5। और जेड माइनस का जेड वन की वैल्यू दे रखी है 3, इक्वल में लिखा हुआ है 0। एंड अब क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x माइनस का 3 प्लस में आ जाएगा 4y, माइनस का आ जाएगा 8, माइनस का आ जाएगा 5z, एंड माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15, इक्वल में वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब क्या करेंगे सॉल्व करें, तो 3x आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4y, एंड माइनस का 5z, एंड यहाँ पे देखिए माइनस का 3 लिखा है, माइनस का 8 लिखा है, तो 11 हो जाएगा माइनस का और माइनस का 11, यानी कि प्लस का 15, तो आपको मिल जाएगा प्लस का 4, इक्वल में वैल्यू क्या आएगी 0। यही हो जाएगी आपकी प्लेन की इक्वेशन। देखिए यही आ रहा है आपका आंसर, 3x प्लस का 4y माइनस का 5z, एंड यहाँ पे माइनस का नहीं प्लस का 4, इक्वल में आ जाएगा 0। एंड यही हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सी इक्वेशन, जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया था प्लेन, यहाँ पे दो प्लेन दे रखे, क्या लिखा हुआ, 7x प्लस में 4y माइनस का 4z प्लस में 8 इक्वल टू 0। एंड सेकंड प्लेन आपको दे रखा है 14x प्लस में 8y माइनस का 8z प्लस का 12 इक्वल में 0। और इन्होंने पूछा ये प्लेन कैसे, तो ये जो प्लेन है वो पैरेलल कैसे, ये देखिए भाई क्या लिखा है, 7 टू सा क्या हो जाएगा 14, 4 लिखा हुआ 4 टू सा 8, 4 टू सा क्या हो जाएगा 8। ये देखिए डिस्टेंस क्या दे रखी है, डी वन और डी टू की वैल्यू क्या दे रखी है, डिफरेंट दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या प्लेन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल पर, यहाँ पे दो प्लेन दे रखे जो पैरेलल थे उनकी डिस्टेंस निकाले। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पे देखिए 11, यहाँ पे क्या होगा 1, इक्वल में लिखा हुआ 0। जैसे ही आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपको सेम यही क्वेश्चन मिले, जैसे यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिलेगा, माइनस का 2y मिल जाएगा, प्लस का यहाँ पे z मिलेगा, एंड यहाँ पे प्लस का मिलेगा 3y, तो इक्वल वैल्यू क्या आएगी 0। ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 माइनस का है तो माइनस, ये देखिए 1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, कोफिशिएंट z का क्या चल रहा है 1 चल रहा है। और यहाँ पे d2 माइनस का d1 की जो वैल्यू वो डिफरेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए पैरेलल के लिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन नंबर देखिए 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो d इक्वल टू आ जाएगा d2 माइनस का d1, अपॉन में आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। डी टू की वैल्यू क्या चल रही है, डी टू की वैल्यू चल रही है 3/2 एंड डी वन की वैल्यू चल रही है 1 अपॉन में ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और सी देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा एंड जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा 1/2 अपॉन में मिलेगा अंडर रूट में 9। अंडर रूट में 9 लिखा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर मिल जाएगा 3 एंड इसे अपॉन में मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 1/2 आ जाएगा इंटू में आएगा 1/3 तो जब इसे सॉल्व करें तो 1/ क्या आ जाएगा 6 एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए यही आ रहा है आपका आंसर 1/6। तो कभी भी आपको दो पैरेलल प्लेन दे रखे तो उनके बीच की डिस्टेंस है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया, इसे नोट करिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक पॉइंट दे रखा है एंड एक आपको दे रखी है इक्वेशन। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ प्लेन के लिए इक्वेशन यानी कि अगर आपको एक प्लेन दे रखा हो एक इक्वेशन दे रखी तो आप इस फॉर्मूले का करेंगे यूज़। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 9 जो सबसे पहले कि आपको पॉइंट दे रखे प्लेन दे रखी डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है ए x माइनस का x1 प्लस में आ जाएगा बी y माइनस का y1 प्लस में आ जाएगा c z माइनस का z1 इक्वल में आएगा 0। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू रखेंगे फिर x1 y1 z1। ए बी सी की वैल्यू जो आपको प्लेन दे रखा है यहाँ से मिलेगी और x1 y1 z1 की वैल्यू जो आपको पॉइंट देने की दे रखे उससे मिलेगी। तो ए की वैल्यू देखिए क्या चल रही है, यहाँ पर ए की वैल्यू चल रही है 2 एक्स एट जेड। देखिए एक्स वन की वैल्यू क्या चल रही है 2 प्लस में आ जाएगा बी, बी की वैल्यू चल रही है 4 वाई एट जेड लिखा रहेगा, वाई वन की वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस का साइन लगाएंगे सी यहाँ पे यानी कि सी की वैल्यू क्या चल रही है माइनस का 3 तो प्लस माइनस आएगा माइनस का 3। जेड माइनस जेड वन की वैल्यू भी क्या चल रही है 1 इक्वल में वैल्यू आ जाएगी 0। सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस का 4 प्लस में मिल जाएगा 4y माइनस का 4 माइनस का मिल जाएगा 3z एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का मिल जाएगा 3 इक्वल में वैल्यू आएगी 0। तो 2x प्लस का आ जाएगा 4y एंड माइनस का आ जाएगा 3z 4 हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 3 यानी कि आपको मिल जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0 एंड यही हो जाएगी आपकी प्लेन की इक्वेशन कौन सी जो इस पॉइंट से पास होगी। ये देखिए लिखा हुआ है पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए नोट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इन्होंने कहा जनरल इक्वेशन जो प्लेन की होती है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, तो भाई जब प्लेन की इक्वेशन है तो प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगी, उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेन। उसके बाद 11 नंबर पे लिखा गया द एंगल बिटवीन प्लेन। यहाँ पे दो प्लेन दे रखे इनके बीच का अब हमें एंगल बताना, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए लिखा एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो सबसे पहले क्या करें यहाँ तक कर लीजिए नोट, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दो प्लेन दे रखे इनके बीच का हमें क्या करना है एंगल फाइंड। जो भी दो प्लेन दे रखे उसे हमने गिवन में लिख दिया, आप क्या करेंगे एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखिए एंगल एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो दो प्लेन के बीच हम लोग क्या करेंगे एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए वन ए टू प्लस में आ जाएगा बी वन बी टू प्लस में आ जाएगा सी वन एंड सी टू एंड अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में ए वन का स्क्वायर प्लस में बी वन का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा सी वन का स्क्वायर एंड अंडर रूट में आ जाएगा ए टू का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी टू का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा सी टू का स्क्वायर। सेम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, जो भी हमने आपको लिखवा देंगे यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू प्लेन ए वन ए टू का स्क्वायर प्लस सॉरी ए वन ए टू प्लस में आ जाएगा बी वन बी टू प्लस में आ जाएगा सी वन सी टू अपॉन में देखिए यहाँ पे ए वन का स्क्वायर यहाँ पे देखिए ए वन का स्क्वायर है वो एंड बी वन का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी सी टू का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सही कर लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा सी वन एंड यहाँ पे वैल्यू चलेगी ए बी सी में चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी टू का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा सी टू का स्क्वायर। ठीक है तो फॉर्मूला सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ए वन में बी वन में वैल्यू चलेगी तो ए बी सी में वैल्यू चलेगी क्योंकि जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी की भी वैल्यू हमें मिलेगी एंड यहाँ से क्या करेंगे इस वैल्यू को हम लोग प्लेन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए वन एक्स प्लस में आ जाएगा बी वन वाई प्लस में आएगा सी वन जेड प्लस में आ जाएगा डी वन इक्वल में आएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा ए टू एक्स प्लस में आ जाएगा बी टू वाई प्लस में आ जाएगा सी टू जेड प्लस में आ जाएगा डी टू इक्वल में 0। यहाँ पे जो डी वन की वैल्यू वो 0 चल रही है, यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है वो माइनस का 5 चल रही है। जब आप कंपेयर करेंगे तो ए वन की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या मिल रही है आपको 3, तो वैल्यू पुट करिए ए वन की वैल्यू आ रही है 3, ए टू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है ए टू की वैल्यू आ रही है इन टू में 2 प्लस का साइन लगाएंगे, बी वन की वैल्यू आ रही है 4 माइनस का तो 4 एट जेड लिख दी, माइनस का आ रहा तो चाहे तो माइनस का 4 लिख दीजिए एंड मल्टीप्लाई में बी टू की वैल्यू आ रही है माइनस का 1। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पे देखिए सी वन की वैल्यू क्या आ रही है 5 एट जेड लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे सी टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो ये देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई में लिखा एक
एंड अपॉन में अब देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ए वन का स्क्वायर करिए, बी वन का स्क्वायर करिए सी वन, ए वन का स्क्वायर करें तो आपको मिल जाएगा 9, बी वन का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस में यहाँ पे देखिए सी का वन का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, अंडर रूट का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ए टू का स्क्वायर तो 4 मिल जाएगा, बी टू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस में सी टू का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, एंड क्या करेंगे इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आपको मिल जाएगा प्लस का 4 माइनस का 10, एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 4 क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे मिल जाएगा 10 माइनस का 10 वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि ये वैल्यू कैंसिल होगी तो अपॉन में जो भी वैल्यू की वो पूरी क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस थीटा एंड इक्वल में मिल रहा है 0, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, कॉस में जो 0 वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 2 की, तो यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपको क्या मिला यानी कि इन दो प्लेन के बीच का एंगल क्या है पाई बाई 2 यानी कि 90। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फॉर्मूला जरूर सही कर लीजिए, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर प्लस में सी वन का स्क्वायर एंड यहाँ पे अंडर रूट में आएगा ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर एंड सी टू का स्क्वायर, तो फॉर्मूले में वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 0 हो रही तो इसीलिए अपॉन में जो भी वैल्यू जब आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0, तो इसीलिए हमने वैल्यू डायरेक्ट 0 कर दिया, 0 जो है वो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती तो थीटा की वैल्यू आ रही है पाई बाई 2, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा है द इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द प्लेन, यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा कि भाई इंटरसेक्ट विद कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट यानी कि ए बी सी की वैल्यू पूछी, ये देखिए ए बी सी की ना इन्होंने यहाँ पे वैल्यू पूछी और इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, तो सबसे पहले क्या करें यहाँ तक नोट कर लिए इसके लिए, इसके बाद हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, हमने इंटरसेक्ट विद कोऑर्डिनेट फाइंड करें यानी कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें, ये दे रखी है आपको इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे माइनस का 3 है इसे इक्वल के साथ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3x प्लस में मिल जाएगा y प्लस में मिल जाएगा 4z, ये इक्वेशन प्लेन की आपको गिवन में दे रखी है, इक्वल में क्या हो जाएगा 3, अब देखिए 3 लिखा हुआ है इसे अपॉन में लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा 3x प्लस में मिल जाएगा वाई प्लस में मिल जाएगा 4z इक्वल में आ जाएगा 1 एंड अपॉन में आ जाएगा 3, अब देखिए इक्वल में 1 क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 को फिर से अगर इक्वल के साथ तो आपको मिल जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1, अब देखिए 3 लिखा हुआ है इसे तीन पार्ट में डिवाइड करें तो 3x आ जाएगा अपॉन में 3 प्लस में वाई आएगा अपॉन में 3 आएगा प्लस में 4z आएगा अपॉन में क्या आ जाएगा 3, इक्वल में क्या चल रहा है 1, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पे आपको मिलेगा x अपॉन 1 एंड प्लस का साइन लगाएंगे y अपॉन 3 एंड प्लस में मिल जाएगा z अपॉन 3/4, अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला टर्म क्या जाएगा मल्टीप्लाई यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4, इक्वल में वैल्यू चल रही है 1, अब कंपेयर कर लीजिए इंटरसेक्ट फॉर्म की इक्वेशन, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x अपॉन a प्लस में लिखा हुआ है y अपॉन b प्लस में लिखा है z अपॉन c इक्वल में लिखा हुआ है 1, a b c की फॉर्म कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है 1, b की वैल्यू मिल रही है 3, c की वैल्यू मिल रही है 3/4, तो लिख दीजिएगा इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे 1, 3 एंड 3/4, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन भी यानी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, आपको कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन पूछी गई हो इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करें तो आप इस तरीके से मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेप्ट, यहाँ पे भी इन्होंने डायरेक्ट फॉर्म पूछी कि इक्वेशन जो प्लेन की होती है उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म क्या होती है x अपॉन a प्लस में y अपॉन b प्लस में z अपॉन c इक्वल में क्या होता है 0 होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द पैरेलल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, एक प्लेन दे रखा है फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी, इन्होंने इसकी क्या पूछी है डिस्टेंस पूछी, अब देखिए ना ही इन्होंने पॉइंट दे रखा है ठीक है ना ही एक प्लेन दे रखा है, यानी कि दो प्लेन होता तब भी हम उसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते, तो इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को पढ़िए ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन का मतलब क्या होगा एक्स वाई जेड क्या होंगे 0, यानी कि इन्होंने पॉइंट लिखा नहीं है, पॉइंट क्या दे रखा है 0, 0, 0, यानी कि 0, 0, 0 एक पॉइंट है एंड एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी, इसकी हमें डिस्टेंस बताएं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगवा करें डिस्टेंस बिटवीन वन प्लेन एंड पॉइंट, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको ध्यान रखना अगर ओरिजिन की बात करेगा तो जो पॉइंट होंगे वो 0, अगर 2t है तो एक्स वाई 0 हो गए, 3t होगी तो एक्स वाई जेड तीनों ही क्या होंगे 0 होंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ए पी यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं यानी कि पी क्यू आर की वैल्यू 0 दे रखी है एंड पी क्यू आर की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये तीनों स्टेप क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे डी वाला स्टेप लिखेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे कंपेयर कर तो देखिए ये लिखा हुआ है 20
एट। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आता है ए वन का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर, तो इन सभी का कर लेंगे स्क्वायर। ध्यान रखें यहाँ पे पी क्यू आर यानी कि जो पॉइंट दे रखे हैं वो जीरो दे रखे हैं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इन वैल्यू को जीरो कर लिया और डी की वैल्यू जो चल रही थी उसे लिख दिया। अब यहाँ पे ए वन का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर, सी वन का कर लेंगे स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस में सिक्स का स्क्वायर करेंगे 36। यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 28, अपॉन में मिलेगा 49, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 28, अपॉन में आएगा 7, 7 टू जो हो जाएगा 28, तो डी की वैल्यू आपको मिल रही है 2, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी 2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 15, एंड यहाँ पर इन्होंने पूछा द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, एक प्लेन दे रखा है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन बाय, इन्होंने यहाँ पर भी हमें क्या करने कोऑर्डिनेट निकालने, एक प्लेन दे रखी इंटरसेप्ट करनी यानी कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे ये दे रखी है इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस का 3y प्लस में 4z इक्वल में लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा ही हो तीन पार्ट में क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2x अपॉन में मिलेगा 12, माइनस का मिलेगा 3y अपॉन में मिलेगा 12, प्लस में मिलेगा 4z अपॉन में मिलेगा 12, इक्वल में क्या मिलेगा 1, 2 6 हो जाएगा 12, 3 4 हो जाएगा 12, 4 3 हो जाएगा 12, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है x अपॉन 6, माइनस का यहाँ पे लिखा वाई अपॉन, अब देखिए माइनस लिखा हुआ है तो इसे लिख लीजिए प्लस का, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वहाँ पे क्या चलता है x अपॉन a प्लस में y अपॉन b प्लस का चलता है z अपॉन c, एंड प्लस का साइन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा z अपॉन 3, इक्वल में चल रहा है 1, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू आएगी माइनस का 4, एंड c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 6 माइनस का 4 एंड 3, यही आ रहा है आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर आपको कोई भी इक्वेशन और पॉइंट दे रखे हो तो उसकी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो प्लेन दे रखे हैं पैरेलल तो उसकी भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है, बस आपको क्या पता होना चाहिए फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेन दे रखे हैं इनके बीच की डिस्टेंस बताएं, तो यहाँ पे देखिए प्लेन लिखा है ax प्लस में by प्लस में cz एंड प्लस में लिखा हुआ d इक्वल में 0, एंड सेकंड प्लेन दे रखा ax प्लस का by प्लस का cz प्लस में लिखा हुआ d डैश इक्वल में लिखा हुआ है 0, तो यहां पे भी पैरेलल प्लेन है यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो यहां पे देखिए d चल रही है, यहां पे क्या लिखा हुआ है d डैश, तो यहां पे पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस की डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला यानी कि एक जनरल फॉर्मूले की बात करी, क्योंकि यहां पे a b c क्या है सभी कांस्टेंट, तो यहां पे देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा d डैश, अब d2 माइनस d1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है d डैश माइनस का d, तो यहां पे d2 माइनस d1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे d डैश माइनस का d, यानी कि सेकंड वाले में से हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, तो d डैश माइनस का d अपॉन में क्या आएगा a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए, एंड ये दो क्वेश्चन देखे हुए इन्हें होमवर्क में सॉल्व करेगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं इन्हें भी देख लीजिए, दो आपको प्लेन दे रखे हैं इनके बीच का आपको एंगल बताना, जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे गया द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे इन्होंने एक प्लेन दे रखा है इसके बीच की डिस्टेंस पूछी और ओरिजिन दे रखा है, यानी कि इन्होंने ओरिजिन का मतलब क्या है पॉइंट क्या दे रखा है 0,0,0, अभी हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इस क्वेश्चन को भी करिएगा सॉल्व, दोनों का ही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको प्लेन की जो भी इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके अगर एक पॉइंट दे रखा हो तो हम उसे प्लेन, एक पॉइंट और प्लेन दे रखा हो तो उसकी हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, थ्री पॉइंट दे रखे हो तो उसकी भी इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, पैरेलल प्लेन होगा परपेंडिकुलर प्लेन होगा, सभी के हमने आपको फॉर्मूले बता दिए, उम्मीद करते हैं सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ भी गए, इनसे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।